एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। एंड आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर, यानी एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो इंक्वायरी कौन करता है? बायर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स, यानी जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, वो लोग इंक्वायरी करेंगे और एक्सपोर्टर से पूछेंगे कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। कौन पूछेगा? बायर्स। ठीक है, उनका काम है इंक्वायरी करना। लेकिन बदले में कोटेशन भेजना किसका काम है? एक्सपोर्टर का काम। यानी एक्सपोर्टर जो है वो बायर्स को क्या करेगा? रिप्लाई करेगा और उसके अंदर लिखेगा, क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका प्राइस ये है, इसकी क्वालिटी ये है, इसका साइज और वेट ये है, इस तरह से मैं डिलीवरी करूंगा और मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर भेजेगा। यानी इंक्वायरी करने का काम बायर्स का और सारी कोटेशन भेजने का, इन्फॉर्मेशन भेजने का काम है एक्सपोर्टर का। नेक्स्ट अप पॉइंट है आपका रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। यानी अगर जो बायर है, ठीक है, वो उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो जाता है जो कि एक्सपोर्टर ने भेजी थी। यानी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजी थी ना, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या लिखता है कि भाई ये जो ऑर्डर है मैं ये भेज रहा हूँ, ये इन गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, यानी मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, मैं ये प्राइजेस दे सकता हूँ, और डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन है, मतलब वो एड्रेस वगैरह बताता है अपना कि इस जगह पे मुझे जो है अपनी गुड्स डिलीवर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका असेसिंग इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। यानी अब क्या करेगा एक्सपोर्टर? चेक करेगा कि जो इम्पोर्टर है, यानी जो आदमी उससे गुड्स खरीदना चाहता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाए, मुझे मेरा पैसा मिले ही ना। तो वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा ताकि पता लग जाए टू असेस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय इम्पोर्टर, के मेरा पैसा जो है कहीं मुझे ना मिले, मेरी पेमेंट मुझे ना मिले। ठीक है, ये चेक कर लिया एक्सपोर्टर ने। अब क्या करेगा? गारंटी एक लेगा बीच में, किसकी भी गारंटी लेगा? बैंक की। तो इसके लिए क्या करेगा एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलेगा कि भाई मुझे तू एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे। लेटर ऑफ क्रेडिट से मैं भाई मेरे को शांति मिल जाएगी कि हाँ मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। अब बात ये उठती है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसको बैंक इशू करेगा इंपोर्टर का, यानी जिसने गुड्स खरीदने हैं उसका बैंक इशू करेगा और उसमें लिखा होगा कि भाई ठीक है मैं तुम्हें जो है पेमेंट दे दूंगा, जो भी आपका एक्सपोर्ट बिल है उसकी पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। ये बैंक जो है इस चीज़ की गारंटी लेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। यानी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है गुड्स का, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना आप गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, ये एक नंबर होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोसीजर है उन सब डॉक्यूमेंट्स में ये नंबर फिल करना होता है, तो आपको ये नंबर लेना पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पे? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। और क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉपरेशन में। अब अपने आपको यहाँ पे क्यों हमें रजिस्टर करना है? ताकि हमें नॉन पेमेंट का रिस्क ना हो, यानी कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि भाई हमें पेमेंट ना मिले और हमारी पेमेंट डूब जाए, या फिर अगर हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है अपने बिजनेस के लिए, तो कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी हेल्प कर सके। सो इसके लिए हमें अपने आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। अब एक छोटी सी यहाँ पे बात है कि अगर आपको IEC नंबर चाहिए, यानी एक्सपोर्ट, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, अगर ये चाहिए आपको, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की प्रोफाइल, यानी उनके जो है डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बैंक रिसीट फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू अप्लाई फॉर IEC नंबर, यानी जो ये आप नंबर ले रहे हैं इसके लिए आपने बैंक में कुछ फीस दी होगी, तो उसकी रिसीट आपको देनी पड़ेगी। बैंकर से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, दो फोटो चाहिए होगी जो बैंकर ने अटेस्ट कर रखी होगी, ठीक है, स्टैंप वगैरह लगी हुई, और एक साथ में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई मैं ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जो क्वेश्चन लिस्ट में है, यानी मैं सिर्फ वही गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनकी मनाही है वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे आपको क्या काम करना है? अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। कहाँ पे?
रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपको लेना है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको क्यों लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है, तो अगर वो बेनिफिट्स आपको चाहिए तो आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, ठीक है, आपको ऑर्डर रिसीव हो गया है। अब क्या करेंगे, आप प्री शिपमेंट फाइनेंस अरेंज करेंगे, कहीं से पैसा अरेंज करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्टर को इस पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि उसको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब चीज़ों में जो आपको पैसा लगता है, ये पैसा अरेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप बैंकर को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब आपके पास पैसा तो आ गया, पैसा आने के बाद उसको जेब में डाल के भाग तो जाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, उन गुड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की करेंगे, जो कि इम्पोर्टर ने आपसे गुड्स मांगे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आपका नहीं है, आपको कहीं से गुड्स प्रोक्योर करने हैं, अरेंज करने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कहीं से किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से गुड्स अरेंज करेंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो आप खुद गुड्स मैन्युफैक्चर कर लो, या अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो तो कहीं से आप गुड्स को किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से अरेंज कर लो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, यानी इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट 1963 में ये बना था। इसके अकॉर्डिंग हर एक एक्सपोर्टर को क्या करना है, अपने गुड्स को इंस्पेक्शन करवाना है, ठीक है। और जब इंस्पेक्शन हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगी अथॉरिटी, तो उसके बदले आपको एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ भाई कोई गड़बड़ी नहीं है। सो ये सर्टिफिकेट आपको लेना है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, एक देश से दूसरे देश में भेजेंगे, आपको ये सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, एक्साइज क्लियरेंस। इसमें क्या है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगा, जिस भी रीजन से वो अपना जो भी है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक्साइज कमिश्नर के पास जाके एक्साइज क्लियरेंस ले लेगा, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी एक्साइज ड्यूटी वो दे देगा। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी जो है वो एग्जेम्प्ट कर देती है या बाद में रिफंड कर देती है, ऐसा भी एक होता है कई जगह, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है, ताकि एक्सपोर्टर्स और ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ठीक है, हमारे पास बाहर के देश का पैसा आए, तो आपको ज़रूरी है कि एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, और अगर आपको जो है रिफंड होने का कोई प्रोसीजर है तो उसके लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। सबसे पहले ये जानते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है। इस सर्टिफिकेट का ये मतलब होता है कि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन गुड्स को मैन्युफैक्चर आपने ही करा है, यानी अगर आप इंडिया में रह के गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी इंडिया में ही हुई है, ये प्रूफ देता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। और ये हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि कई बार कई देश ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर गुड्स से, अगर पर्टिकुलर कंट्री से कोई गुड्स आ रहे हैं तो उसको टैरिफ कंसेशन यानी टैक्स में काफ़ी छूट दे देते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज किसी देश में आप गुड्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो देश बोलता है कि भाई इंडिया से अगर गुड्स बने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे, तो हम टैक्स में छूट देंगे, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ेगा उनको कि हाँ भाई ये गुड्स इंडिया से ही बने हैं तो हमें छूट दे दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो गए हैं, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है, अब गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बारी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, शिपिंग स्पेस बुक कर लेंगे। भाई शिप में आपको स्पेस भी तो चाहिए ना, कि भाई अपना सामान आप जो रखोगे वो स्पेस आपको बुक करनी पड़ेगी, तो आप किसी भी शिपिंग कंपनी के पास जाओगे और उन्हें बोलोगे कि भाई मुझे शिपिंग स्पेस चाहिए, और उनको साथ में क्या क्या बताओगे कि मुझे किस टाइप के गुड्स का एक्सपोर्ट करना है, किस डेट तक जो है मुझे शिपमेंट करनी है, और कौन से पोर्ट पे मुझे, यानी कौन सी डेस्टिनेशन पे मुझे अपने गुड्स पहुंचाने हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। अभी आपने शिपिंग स्पेस बुक कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, गुड्स को पैक करेंगे और उस पर सारी डिटेल्स लिख देंगे कि भाई किसके नाम से ये जो है गुड्स हम भेज रहे हैं, किस एड्रेस पे ये गुड्स भेजने हैं, गुड्स का ग्रॉस और नेट वेट क्या है, उनकी डेस्टिनेशन कहाँ है, उनको कहाँ पे कौन से पोर्ट पे भेजना है, ये सारी चीज़ें आप साथ में पैकिंग के ऊपर ही लिख देंगे।
अब नेक्स्ट चीज देखो क्या है, पैकिंग वैकिंग हो गए हैं, गुड्स आप पहुंचाने लग गए हैं, उससे पहले आपको एक चीज करनी है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। यानी अब एक देश से दूसरे देश में गुड्स जा रहे हैं और लंबा बहुत रास्ता है, इसके लिए आपको गुड्स को इंश्योर्ड कराना है, यानी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, ताकि अगर कोई लॉस या डैमेज रास्ते में कुछ भी हो जाता है ट्रांजिट, यानी जब गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बीच में कोई लॉस हो जाता है, तो उस चीज का पैसा आपको मिल जाए, क्लेम हो जाए। ठीक है, इसलिए इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंश्योरेंस ले ली, उसके बाद क्या है, कस्टम क्लियरेंस। आपको क्या करना है, कस्टम से गुड क्लियर कराने हैं, यानी आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करनी है, ये भी एक टाइप का टैक्स होता है। अगर आपने कस्टम्स ड्यूटी नहीं दी है तो आप शिप में अपने गुड्स लोड नहीं कर सकते हैं, शिप में सामान नहीं रख सकते हैं, आपको कस्टम्स ड्यूटी एडवांस में ही देनी होगी शिप में लोड करने से पहले। आगे क्या होगा, जो शिपिंग स्पेस आपने बुक किया था उसके लिए आपको शिपिंग बिल बनेगा, शिपिंग बिल की 5 कॉपी और साथ में कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सभी आपको जमा करवाने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि जो सुपरिटेंडेंट है, जिस भी पोर्ट से आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका सुपरिटेंडेंट है, वो कार्टिंग ऑर्डर इश्यू करेगा। कार्टिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, वो कब इशू करेगा, सबसे पहली बात यह है, कार्टिंग ऑर्डर जब उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। कार्टिंग ऑर्डर में क्या लिखा होगा कि भाई वो अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे देगा, बोल देगा कि भाई गेट पे या इस पोर्ट के गेट पे ये जो भी है कार्गो आ रहा है, यानी जो गुड्स आ रहे हैं, इन सबको अंदर दे दो, गेट से अंदर एंट्री दे दो, क्योंकि इन सबके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए आप कार्गो जो आएगा अब इस नाम से उसको गेट के अंदर एंट्री दो और डॉक में ले आओ। देखो अब क्या होता है, ऑब्टेनिंग मेट्स रिसीट, यानी अब डॉक के अंदर गुड्स तो आ गए हैं लेकिन शिप में या नहीं चढ़े हैं, तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, गुड्स जो है लोड हो जाएंगे सारे शिप में। ठीक है, और जो शिप का कैप्टन होगा उसके बाद वो एक मेट्स रिसीट इशू करेगा। इस रिसीट में क्या लिखा होगा कि भाई ये जो गुड्स हैं वो कौन सी वेसल में है, कौन से बर्थ में है, कौन से डेट में उसको शिपमेंट करनी है, कितने नंबर, मतलब कितने जो है कार्गो हैं और कंडीशन कैसी है कार्गो की, कोई टूटा फूटा तो नहीं है, सब ठीक ठाक आए हैं, सही सलामत आए हैं। ठीक है, फिर वो सुपरिटेंडेंट क्या करेगा, ये जो मेट रिसीप्ट थी इसको जाके C&F एजेंट को दे देगा, यानी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को जाके थमा देगा। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इश्यूएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। अभी यहाँ पे C&F एजेंट को मेट्स रिसीट दी थी ना, ये एजेंट जाके क्या करेगा, इस मेट्स रिसीट को शिपिंग कंपनी को दे देगा, और शिपिंग कंपनी क्या करेगी, इससे अपना फ्राइट कैलकुलेट करेगी, कैलकुलेट करेगी। फ्राइट मतलब जो होता है, फ्रेट मतलब होता है जो रस्ते में जो आप गुड्स लेके जा रहे हैं उसका क्या किराया है, क्या चार्जेस हैं। ठीक है, वो चार्जेस कैलकुलेट करेगी शिपिंग कंपनी, फिर शिपिंग कंपनी क्या करेगी, एक बिल ऑफ लेडिंग इशू करेगी, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है कि हाँ भाई ये इस बात का प्रूफ है कि शिपिंग कंपनी ने जो है गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, अपनी शिप में सारे गुड्स चढ़ा दिए हैं और अब उसकी जिम्मेदारी है कि उस डेस्टिनेशन तक वो सारे गुड्स पहुँचा देगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब एक इनवॉइस बनेगा, यानी गुड्स भेज दिए हैं, अब एक इनवॉइस बन जाएगा, इस इनवॉइस में क्या लिखा होगा, इनवॉइस एक टाइप का बिल ही होता है, इसमें लिखा होगा कि भाई कितनी क्वांटिटी गुड्स की भेजी गई है, यानी कितने कार्गो थे उसमें, कितने गुड्स थे, और साथ में अमाउंट कितना देगा इम्पोर्टर आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपका लास्ट पॉइंट, सिक्योरिंग पेमेंट, यानी गुड्स चलो अब शिपमेंट हो गए हैं, यानी शिपमेंट का मतलब है गुड्स जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंच गए हैं, उनका शिपमेंट हो चुका है, जैसे ही गुड्स पहुंच जाएंगे एक्सपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर को इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ भाई मैंने गुड्स पहुंचा दिए हैं, अब तुम जाके उसकी डिलीवरी ले लो। सो जो इंपोर्टर होगा, अगर उसको टाइटल ऑफ गुड्स चाहिए, यानी उसको गुड्स चाहिए खरीद, मतलब जो भी है अपने अंडर उसको लेने हैं, तो उसको कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा और साथ में उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, अगर वो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है तो उसे टाइटल ऑफ गुड्स नहीं मिलता है, यानी वो गुड्स उसके हाथ में नहीं जाएंगे जब तक वो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। और ये क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे जितने भी चीजें हैं ये सारे इंपोर्टर जाके आगे जमा करवा देगा, उसके बदले उसको ये सारे गुड्स मिल जाएंगे। इसके लिए वीडियो खत्म हुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।